हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं आज आपको YouTube के इंड स्क्रीन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंड स्क्रीन का मतलब दोस्तों, जैसे कि आप कोई वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में या तो जिस चैनल का आप वीडियो देखते हैं उस चैनल का वीडियो या फिर उसका लोगो आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आप अपने मोबाइल से कैसे लगा सकते हैं, मैं आज उसी के बारे में बताऊँगा। और इसका क्या फ़ायदा है दोस्तों, फ़ायदा ये है कि यदि आपका कोई वीडियो यदि चल गया तो आपका लास्ट का जो वीडियो है, लास्ट तक यदि कोई बंदा देखता है आपका वीडियो, तो वो दूसरे वीडियो को भी टच करेगा या फिर आपके चैनल को भी विजिट करेगा। तो दोस्तों ये फ़ायदा है, तो ये हर यूट्यूबर के लिए बहुत ही अच्छा है, तो आप इसे यूज कीजिए। तो दोस्तों मेरे चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे आपको यूट्यूब डेस्कटॉप मोड पे आपको खोल लेना है। डेस्कटॉप मोड में खोलने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो मैनेजर यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों वीडियो मैनेजर के पे आप क्लिक कीजिएगा। वीडियो मैनेजर पे आप क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जिस वीडियो में आपको लगाने का रहेगा, तो दोस्तों मैं इस वीडियो पर लगाता हूँ, उस पर आपको क्लिक करना है एडिट पे। एडिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इंड स्क्रीन, तो यहाँ पे आपको इंड स्क्रीन पे आपको डायरेक्टली क्लिक करना है। डायरेक्टली क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऐड स्क्रीन, ऐड एलिमेंट में आपका आ रहा है। तो आप क्या आपका सब्सक्राइब, तो देखिए आपका चैनल का आप देंगे, ये आ गया आपका चैनल का लोगो आ गया दोस्तों सब्सक्राइब में। दोस्तों उसके बाद आप दे सकते हैं वीडियो और प्लेलिस्ट, तो इनमें से आप दे सकते हैं जैसे कि मोस्ट रिसेंट अपलोड, जो दोस्तों आप न्यू अपलोड किए हैं वो वीडियो आप यदि दिखाना चाहते हैं लोगों को लास्ट में, या फिर बेस्ट फॉर व्यूअर, जो दिखने में अच्छा है वो दिखाना चाहते हैं, या फिर कोई आप वीडियो चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। आपको मान लीजिए कोई भी वीडियो आपको यहाँ से चूज़ करना है, तो दोस्तों मैं दिखा देता हूँ, इसको चूज़ करता हूँ, उसके बाद आप क्रिएट अकाउंट एलिमेंट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों फिर से मैं आप तीन ये देख सकते हैं एलिमेंट यूज्ड, मतलब चार एलिमेंट आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं अभी तक दो दिया हूँ, दो, और उसके बाद मैं जो रेसेंट मेरा अपलोडेड रहता है वो मैं देना चाहूँगा, तो वो मैंने दे दिया। दोस्तों आप ज़्यादा ना दे तो बेहतर है। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ से आपको इसको हटाना है, आपको अलग अलग करना है। जैसे यहाँ पे हो गया एक, आपको एक यहाँ हो गया, और आपका चैनल का लोगो यहाँ। दोस्तों ज़्यादा देना भी भद्दा लगता है, अच्छा नहीं लगता, और यदि आपका कोई चैनल विजिट करता है तो वो भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों तीन देना सही रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपको तो उसके बाद यहाँ से आपको सिंपली यहाँ से सेव कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप उस वीडियो का, जो वीडियो पे आप लगाए हैं उस वीडियो के लास्ट में आपका जो आपने जो वीडियो लगाया है वो वीडियो आपका वहाँ पे दिखेगा, या फिर चैनल का लोगो वहाँ पे दिखेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट पे बताइए, मैं आपका उसका आंसर या फिर उसको वीडियो बना के मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। तो दोस्तों थैंक यू।